6 अप्रैल को बजरंग बली का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। देश भर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में इसको लेकर विश्व आयोजन भी किए जा रहे हैं। सोलन जिला मुख्यालय के साथ लगते बरोरी में भी भगवान शिव हनुमान जी का मंदिर स्थित है, जहां पर इस जन्मोत्सव को बनाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। कल से बरोरी शिव मंदिर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर मंदिर समिति द्वारा पूरी तैयारियां की गई है। मंदिर के पुजारी महंत प्रकाश गिरी ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से वे हनुमान जन्मोत्सव को मनाते आ रहे हैं, जिसके लिए कल से मंदिर परिसर में अखंड रामायण पाठ शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और 6 अप्रैल को यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं स्थानीय युवक रोहित भारद्वाज ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव को लेकर पिछले 4 वर्षों से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और विशेष रूप से अखंड रामायण पाठ का यहाँ पर आयोजन किया जाना है। ये हनुमान जयंती के ऊपर 6 तारीख को यहाँ पर अनुष्ठान है, रामायण का पाठ है, रामायण का अनुष्ठान है, हवन है और जनता को प्रसाद भोजन दिया जाएगा, वितरण किया जाएगा। इसमें जनता वगैरह आएगी और कंचे वगैरह का पूजन होगा, पंचों का पूजन होगा और रामायण का 24 घंटे का पाठ चलेगा दिन रात का, अखंड रामायण 4-5 वर्ष से करा रहे हैं। लोगों से ये कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म है, इसमें लोगों की रुचि रहे, हमारा सनातन धर्म है। अब आजकल के प्रसिद्ध के अनुसार जो है ना गिरता जा रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आजकल के नवयुवकों को जो है इसमें सम्मिलित हुए और नशे पानी की वजह से नशा पानी जो है ये नहीं हुए और उनको रुचि रहे अपने धर्म के में, और तो इसलिए तो इसके उपलक्ष्य में किया जाता है। मेरा सभी अपने जिला सोलन के और प्रदेश के सभी वासियों से निवेदन है कि 6 अप्रैल को हमारे कलयुग के राजा प्रभु श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है। इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर यहाँ बरूरी शिव मंदिर में जो प्राचीन शिव मंदिर है, इस स्थान पर 5 अप्रैल से अखंड रामायण का पाठ शुरू हो जाएगा और साथ ही 6 अप्रैल को इसका समापन होगा। ये 24 घंटे अखंड रामायण रहेगी और 6 अप्रैल को हवन के उपरांत 1-12, 12:30 बजे से भंडारा शुरू हो जाएगा। 6 अप्रैल को बजरंग बली का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। देश भर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में इसको लेकर विश्व आयोजन भी किए जा रहे हैं। सोलन जिला मुख्यालय के साथ लगते बरोरी में भी भगवान शिव हनुमान जी का मंदिर स्थित है, जहां पर इस जन्मोत्सव को बनाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। कल से बरोरी शिव मंदिर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर मंदिर समिति द्वारा पूरी तैयारियां की गई है। मंदिर के पुजारी महंत प्रकाश गिरी ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से वे हनुमान जन्मोत्सव को मनाते आ रहे हैं, जिसके लिए कल से मंदिर परिसर में अखंड रामायण पाठ शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और 6 अप्रैल को यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं स्थानीय युवक रोहित भारद्वाज ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव को लेकर पिछले 4 वर्षों से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और विशेष रूप से अखंड रामायण पाठ का यहाँ पर आयोजन किया जाना है। ये हनुमान जयंती के ऊपर 6 तारीख को यहाँ पर अनुष्ठान है, रामायण का पाठ है, रामायण का अनुष्ठान है, हवन है और जनता को प्रसाद भोजन दिया जाएगा, वितरण किया जाएगा। इसमें जनता वगैरह आएगी और कंचे वगैरह का पूजन होगा, पंचों का पूजन होगा और रामायण का 24 घंटे का पाठ चलेगा दिन रात का, अखंड रामायण 4-5 वर्ष से करा रहे हैं। लोगों से ये कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म है, इसमें लोगों की रुचि रहे, हमारा सनातन धर्म है। अब आजकल के प्रसिद्ध के अनुसार जो है ना गिरता जा रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आजकल के नवयुवकों को जो है इसमें सम्मिलित हुए और नशे पानी की वजह से नशा पानी जो है ये नहीं हुए और उनको रुचि रहे अपने धर्म के में, और तो इसलिए तो इसके उपलक्ष्य में किया जाता है। मेरा सभी अपने जिला सोलन के और प्रदेश के सभी वासियों से निवेदन है कि 6 अप्रैल को हमारे कलयुग के राजा प्रभु श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है।
इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर यहाँ बरूड़ी शिव मंदिर में, जो प्राचीन शिव मंदिर है, इस स्थान पर 5 अप्रैल से अखंड रामायण का पाठ शुरू हो जाएगा और साथ ही 6 अप्रैल को इसका समापन होगा। ये 24 घंटे अखंड रामायण रहेगी और 6 अप्रैल को हवन के उपरांत 1-12 बजे से भंडारा शुरू हो जाएगा।